गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। गाइस, न हम सिगरेट पीते हैं न पीने की सलाह देते हैं। जो लोग सिगरेट पीते भी हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिगरेट पीना छोड़ दे, क्योंकि ये जो सिगरेट है वो काफ़ी डेंजरस है। इससे हमारे फेफड़ा खराब हो जाता है, हमें कैंसर हो सकता है इसको पीने से। लेकिन आज हमें वीडियो बनाना था, इसीलिए मैंने सिगरेट का सहारा लिया हूँ। तो गाइस, पीने वाले लोग जो होते हैं वो इसको जलाते हैं लाइटर से, माचिस से, जलता हुआ आग से या गर्म कोयला से, और भी कई सारी चीज़ों से इसे जलाते हैं। लेकिन गाइस, आज जो है हम इसे न लाइटर से जलाएंगे सिगरेट को, न माचिस से, न कोयला से, न किसी से। हम इसको जलाएंगे एक लिक्विड से, जो कि नॉर्मल लिक्विड है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा लिक्विड है। वो इसमें हम 2-3 बूंद डालेंगे सिगरेट पे, और जो है ये सिगरेट जो है हमारा बिल्कुल जैसे लाइटर से जलाते हैं वैसे हमारा सिगरेट जल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं, इस सिगरेट को लिक्विड से जला करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा और आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारे पास सिगरेट है, और इसमें अभी हम लिक्विड डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ये सिगरेट तुरंत से जल जाता है। तो चलिए दिखाते हैं। तो हमारे पास है ये ड्रॉपर में जो है ये लिक्विड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें कौन सा लिक्विड है। तो चलिए पहले मैं सिगरेट को जला लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे ये जो है सिगरेट वो जल जाएगा। चलिए देखते हैं। तीन बूंद मैंने इसमें जो है लिक्विड वो डाल चुका हूँ, और लगता है कि ये अब जलने वाला। देखिए किस तरह से जो है धुआं निकल रहा है। देखिए गाइस, वाओ, कितना अमेजिंग है। गाइस, आप देख सकते हैं कितना गजब का जो है मैंने इसमें लिक्विड डाला, और ये सिगरेट जो है बिना लाइटर, बिना माचिस, बिना आग के जो है ये पूरी अच्छी तरह से एकदम जला है। जिस तरह से लोग लाइटर से, माचिस से जलाते हैं वो जला है। लेकिन गाइस, ये जला क्यों है, इसमें कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तो चलिए हम रीज़न आपको बताते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके देखा था कि कैसा रिएक्शन होता है। जब मैंने उसे मिक्स किया तो उसमें जो है आग लग गया, क्योंकि ग्लिसरीन और पोटेशियम को मिक्स करने के बाद जो है उसमें रिएक्शन होता है कि वो दोनों मिक्स करने के बाद उसमें आग लग जाता है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपली मैंने किया क्या है कि सिगरेट को पहले निकाला, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मैंने डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद ऊपर से इसमें जो मटेरियल होता है उसको फिर ऊपर से रख दिया, ताकि पोटेशियम परमैंगनेट दिखाई ना दे। और इसमें मैंने डाला 2 बूंद या 3 बूंद ग्लिसरीन। जैसे ही ग्लिसरीन नीचे गया, पोटेशियम परमैंगनेट में टच हुआ, रिएक्शन हुआ, जिसके कारण हमारा सिगरेट जल गया। तो चलिए हम अभी एक बार और आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने सिगरेट को खोला, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, और जो है डालने के बाद इसमें जो है ग्लिसरीन डालने के बाद इसमें फटाक से आग लग गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक और सिगरेट है। सिंपली आप देख सकते हैं कि ये जो है इस पे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट रखे, और नजदीक लाऊं कैमरा, तब देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट मैंने रखे। करेंगे क्या, इस सिगरेट के जो इसमें जो मटेरियल है इसको हम थोड़ा सा निकाल देंगे, ताकि इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट रख सकें। और नज़दीक लाओ कैमरा, इस तरह से हमें इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा खाली कर देना है। देख सकते हैं मैंने इसमें जो है मटेरियल थोड़ा सा खाली रख दिया, खाली कर दिया हूँ, ताकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट हम डाल सकें। अब इस तरह से कागज के चम्मच को बना लेना है, और इसमें जो है मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाल देता हूँ, इतना काफ़ी है। सा और डाल देता हूँ ताकि रिएक्शन अच्छे से हो सके। डालने के बाद ये जो मटेरियल है इसका फिर से इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल देता हूँ, ताकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पता ना चल सके। तो देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल जो है हमारा सिगरेट जो है तैयार हो गया है। इसमें लग भी नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें केमिकल डाला हुआ है। अब इसमें जैसे ही हम ग्लिसरीन डालेंगे इसमें आग लग जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको साइड कर देते हैं।
और ये हमारे पास ग्लिसरी ड्रॉपर में, अब इसमें डाल के देखते हैं कि इसमें आग लगता है कि नहीं। मैंने इसमें लगभग 3-4 बूंद ग्लिसरीन डाल दिया, देखते हैं इसमें आग लगता है कि नहीं। देखिए गाइस किस तरह से धुआं निकल रहा है, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ग्लिसरीन रिएक्शन करता है फटाक से जो है सिगरेट को वो एकदम से जला देता है। देख सकते हैं किस तरह से ये जल गया है। लेकिन गाइस मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ऐसा घर पे या कहीं भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये काफी डेंजरस हो सकता है। आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।